हरियाणा एच 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। जी प्रधान जी, आज किस विषय पे एकत्रित हुए हो, क्या कहना चाहोगे? आपके प्रेस के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को दैया खाप की तरफ से जयपाल दैया की राम राम। ये हम दैया खाप इसलिए इकट्ठी हुई है, मेरे साथ मेरे तपे के 12 के चौधरी अतर सिंह जी खंडा और दो प्लान के प्रधान चौधरी बीरबल जी, ये सभी ने हमने विचार किया भाई जो हमारी लड़की विनेश है जो ओलंपिक में गई हुई है, जिसकी तरफ 150 करोड़ आदमी ओलंपिक की तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं कि भाई शायद कोई गोल्ड मेडल हमारा आए, इस लड़की ने 150 करोड़ आदमियों की भावना को समझते हुए अपनी मेहनत कर करके इसने गोल्ड मेडल को हाथ लगाया। इसके साथ 100 ग्राम वेट की वजह से मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, 100 ग्राम वजन घटाना प्लेयर के लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखता, उसको वो 1 घंटे में कम से कम भी 1.5-2 किलो वजन प्लेयर घटा सकता है। ये पता नहीं ये कोई इसके साथ क्या साजिश हुई है और इससे गोल्ड मेडल की तरफ 150 करोड़ आदमियों की भावना को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। ये जितना उस लड़की को ठेस नहीं पहुंचा, जितना यहाँ की भारत की जनता को जो ठेस पहुंचा है, इसमें आपके माध्यम से हमारा सेंटर की सरकार से ये अनुरोध है दैया खाप का कि भाई आप इसमें गहराई से इंक्वायरी कराई जाए, इसके साथ क्या साजिश है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो हम इसको सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये 150 करोड़ आदमियों की भारत की आत्मा की तरफ ये मेडल का इशारा था और उनकी भावना को ठेस पहुंचेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दैया खाप इस चीज़ का विरोध करेगी और हम लड़की विनेश का यहाँ पहुंचने पर दैया खाप पूरा तन मन से उसका स्वागत करेगी और हमने उसका अपनी तरफ से गोल्ड मेडल जो है ना वो पक्का मान लिया है। हमारे दिल में विनेश बहन जो है ना वो हमारी बेटी, वो गोल्ड मेडल हमने उसका मान लिया कि भाई इसका गोल्ड मेडल ओलंपिक में आ गया, ये हमारी दैया खाप की भावना है। मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान, जय हिंद, जय भारत, जय दैया खाप। आप सबको नमस्कार, और आप सबने देखा कि पूरा देश जो कि त्राही त्राही आज हो गया है, बिकॉज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और 100 ग्राम सिर्फ उनका वजन ज़्यादा था। पूरा देश और पूरा ओलंपिक संघ से हमारी रिक्वेस्ट थी कि उसको और थोड़ा समय दे देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया और आज पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। उसने जो जज्बा दिखाया है, वो मेहनत दिखाई है, आज उसको हम सल्यूट करते हैं। मैं अतर सिंह बारा प्रधान, गाँव खंडा। मैं हम तो स्पोर्ट्स में भी नहीं है वैसे, लेकिन अखबारों से सब क्या है हमें पता लगा है कि इस लड़की के साथ कोच भी हैं और डॉक्टर भी हैं जो कि पूरी रात इसकी चेकअप चली है और इसका 100 ग्राम वजन कम नहीं कर सकते, कर नहीं सके हुए। इसका मतलब हमारा बिल्कुल दिल ये मान रहा है कि इसके साथ कोई साजिश हुई और इस साजिश का जो ना सरकार ने जो ना जल्द से जल्द रिजल्ट निकालना चाहिए और दोषी को सजा देनी चाहिए। प्रधान दो प्लान, मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान उसी टाइम लेना चाहिए था और ऊपर बात करके उसको उसमें पहुँचा देना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री की कमी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा जो ना करा, इसलिए हम इसकी व्यर्थ ना करते। मैं एडवोकेट अरविंद दैया, पूर्व जिला परिषद भटगांव सोनीपत। मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूँ कि जो भी इस लड़की के साथ हुआ है, लड़की के साथ क्या पूरे देश के साथ, देश उसी दिन से गम में है कि इस लड़की के साथ ये क्या हुआ, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से एक ही अपील करते हैं कि इस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी प्रॉपर जांच की जाए और जो भी गलत है उसको दोषी को सजा दी जाए, और हम उस लड़की का गोल्ड अपना पूरा मान ही चुके हैं सारा देश, और हम ये कहते हैं कि उस लड़की को मतलब डिप्रेशन में ना आए, सारा देश उसके साथ है। जय हिंद, जय भारत। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D-4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत।
लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।